MH1 न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का जी आया नूं, मैं हाँ थोड़े नाल हरकीरत सिंह आलूवालिया। साड़ी मुहिम रहिंदी है कि लगातार असीं तुहानूं ओह चीज़ां लैके आईए जो कि ट्रेंड विच अंदर आ रही हैं और वह भगते मसले जिहड़े निकल के सामने आ रहे हैं। अज मैं जिस खेल की गल कर रहा, जिस गेम की गल कर रहा, वह है ब्लू व्हेल, जो कि अजकल मोबाइल विच मौत का नवा चेहरा बन के सामने आई है। बच्चे जिहड़े ने लगातार सुसाइड कर रहे हैं इस मौत के खेल के अंदर, डुंगदे अंदर जाई जाते हैं। जेकर मैं गल करा इस ब्लू व्हेल गेम की, तो एक नवा ट्रेंड निकल के सामने आया, बच्चे अपनी किताबा घट गेमा दे वल ज़्यादा जा रहे हैं, बच्चों के अंदर डिप्रैशन भी वेखने सानू मिल रहा है। एक ताजी जिहड़ी घटना निकल के सामने आई है पुंछ कला तो, जिथे एक बच्चे ने जिहड़ा सुसाइड किया है ब्लू व्हेल गेम की तरफ तो। जेकर मैं पुंछ कला की गल करा, बच्चे ने सुसाइड क्यों किया, यह पूरी स्टोरी जिहड़ी है बयान कर रही है। देखो उसके बाद मेरे नाल पैनलिस्ट भी मौजूद ने, चर्चा करांगा कि आखिरकार यह जिहड़ा खौफनाक गेम निकल के सामने आया है जिहदा नाम है ब्लू व्हेल, किस तरीके नाल बच्चों नूं अपने शिकंजे विच लै रहा है। पहला यह बयान देखो, यह रिपोर्ट देखो, उस तो बाद मैं तुहानूं पैनलिस्ट नाल विचार वटांदरा करांगा। नोटबुक के पेज पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें मौत की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में छिपी है मौत, एक ऐसी मौत जो बेहद दर्दनाक है, एक ऐसी मौत जो अपनी जद में स्कूली बच्चों को ले रही है। पहले उनके दिमाग पर कब्जा किया जाता है और उसके बाद वो मौत के आगोश में चले जाते हैं। नोटबुक में दिखाई दे रही इन छह तस्वीरों का राज हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वो खबर बताते हैं जो इन तस्वीरों से जुड़ी हुई है। पंचकुला के सेक्टर 8 में रहने वाले करण ठाकुर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। करण ठाकुर 10वीं का छात्र था और उसकी मौत की गुत्थी इन्हीं तस्वीरों में छिपी हुई है। अब आपको बताते हैं आखिर करण ने खुदकुशी क्यों की, ऐसी क्या वजह थी जो उसे मौत के मुंह में ले गई। करण ठाकुर एक गेम का शिकार हो गया, वो भी ऐसे गेम का जो खूनी गेम है। शुरुआती तफ्तीश में यह सामने आया है कि करण ठाकुर ब्लू व्हेल गेम खेल रहा था। इस गेम की आखिरी स्टेज में मौत को गले लगाना होता है। भारत में काफी पहले दस्तक दे चुका यह गेम अब हरियाणा में भी पहुंच गया है। पंचकुला में 10वीं के छात्र करण ठाकुर ने अपने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। करण के माता पिता को यह नहीं मालूम था कि उनका बेटा ब्लू व्हेल गेम की वजह से इतना बड़ा कदम उठा लेगा। करण ठाकुर के पिता देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि करण की नोटबुक में कुछ चित्र मिले हैं, इसके अलावा कुछ कमेंट्स भी हैं। गेम अभी उसकी कॉपी आई है हाथ में, जिसमें उसमें जो टास्क से कि बिल्डिंग से गिरने का, फ्रेम से हैंगिंग का और ट्रेन के ट्रैक का और कार के आगे आने का या ब्लेड से कट लगाने का, ये 5 टास्क थे उसमें लिखे हुए। उसमें कुछ कमेंट्स दिए हुए थे कि आई डोंट वांट टू लिव मोर, नोबडी केयर वेदर आई डाई और लिव, सो दे आर ओनली यूज मी, आई वांट टू डाई। करण की नोटबुक में जो 6 तस्वीरें मिली हैं उनमें दिखाया गया है कि ब्लू व्हेल में आखिरी टास्क में किस तरह खुदकुशी करनी है। कहा यह जा रहा है कि करण ने भी इसी में से एक तरीका चुना था। करण के पिता ने यह भी बताया कि गेम की वजह से करण परिवार से दूर चला गया था और उसको डॉक्टर के पास भी लेकर गए थे। जी बिल्कुल, उसके मोशन जो है वो डेड हो गए थे, वो गेम में ट्रैप में आने के कारण वो बिल्कुल मशीन की तरह ऑपरेट कर रहा था और उसका मोशन नहीं, अदरवाइज इतना सिंसियर लड़का था, ट्रैप हो गया था। ये बात भी सामने आई है कि करण सुबह उठकर ब्लू व्हेल गेम का टास्क कंप्लीट करता था। ये बात खुद करण के पिता ने बताई है, लेकिन वो छुपके ही करता था और हमारे को कहता था मैं 4:30 बजे के करीब उठ के मैं पढ़ता हूँ, मैं तो दिन में पढ़ नहीं सकता, तो रात को मैं फ्री बिल्कुल जब शांत होता है तो मैं पढ़ता हूँ। तो उसको बेसिकली टास्क दिया जाता था जो 6:40 बजे पे जो टास्क दिया जाता है उस टाइम पे, और कुछ उस तरह को उसको हॉरर मूवी वगैरह देखने के लिए बोला जाता है और कुछ वहाँ से कुछ ऑडियो भेजा जाता है जिसमें सांस रोक के 2-3 मिनट के लिए डरावनी चीज़ों से डर जो है वो दूर किया जाता है। इस तरह की कुछ एक्टिविटीज थी जो वो फॉलो कर गया। और वहीं करण ठाकुर के छोटे भाई ने बताया पिछले कुछ दिनों से उनके भाई का व्यवहार बदला हुआ था।
कल देखा तो उसमें फोटोएं थी बन रखी, बिल्डिंग से कूदना, कहते हैं गाड़ी ट्रेन के नीचे आना, गार्ड से उठ ठुकना, कहते हैं पानी में बह जाना, ब्लेड काटना अपना, और कहते हैं जैसे पंखे से लटकना, ये सब था उसमें बन रखा। ब्लू बेल गेम स्कूली बच्चों पर अपना शिकंजा कस रहा है। उनके दिमाग पर इस गेम के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है, जो बेहद खतरनाक है। इस तरह के गेम पर जल्द से जल्द रोक लगानी चाहिए। हमारी लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को इस तरह के गेम में न फंसने दें। अगर आप सतर्क रहेंगे तो आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। सो तुसीं वेखिए रिपोर्ट, मैं अगली जिहड़ी हुण डिस्कशन आ ओह हिंदी विच रखना चाहूँगा, क्योंकि मेरे नाल जिहड़े गैसट मौजूद ने ओह हिंदी विच कंफर्टेबल ने अपनी गल रखणगे। सो यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से बच्चों के अंदर आजकल जो स्ट्रेस है वो बढ़ता जा रहा है। क्या आपका बच्चा कमरे में अकेला बैठा है? अगर बैठा है तो वो क्या खेल रहा है, कौन सी गेम खेल रहा है, और क्यों स्ट्रेस है? अगर वो स्कूल से वापस आया और बोल नहीं रहा, चुपचाप बैठा है, कुछ ना कुछ टेंशन दिमाग में लेकर बैठा है, तो कुछ ना कुछ बात उसके जहन में चल रही है जिस वजह से वो टेंशन लेकर बैठा है। स्ट्रेस उसकी लाइफ में एकदम आ गया, दस्तक दे गया, वो क्यों दे गया, वो भी जानना बहुत जरूरी है। मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद है, मैं आपका इंट्रोडक्शन उनसे करा दूं। मेरे साथ अंजलि कक्कर जी हैं, जो कि एजुकेशन एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ डॉक्टर संजू गंभीर हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। मेरे साथ अजय मीना जी हैं, जो एक पेरेंट हैं और एक अभिभावक हैं। इनके रिश्तेदार के अंदर हमने देखा कि कोई बच्चा ब्लू व्हेल गेम खेल रहा था, इन्होंने खुद उस बच्चे को रोका। हमारे साथ अंकित कुमार हैं, जो कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले डॉक्टर संजू गंभीर जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपने ये रिपोर्ट देखी पंचकुला के अंदर, जहाँ पर अभी ताज़ा एक मामला सामने आया है कि बच्चे ने ब्लू व्हेल गेम खेली और वो सुसाइड कर लेता है। अगर मैं इस बच्चे की बात करूं, या फिर और भी बच्चे जो इस गेम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और दिन बर दिन मौत जो है देखने को मिल रही है, और जो बच्चे हैं सुसाइड कमिट कर रहे हैं, पहले तो मैं इस ब्लू व्हेल गेम के बारे में जानना चाहूंगा। और आज के जो मेरे सवाल रहेंगे, बच्चों के अंदर जो स्ट्रेस दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिली हो उसके अंदर भी हम देखा है कि बच्चे जो है दिन बर दिन कुछ ना कुछ स्ट्रेस अपने दिमाग में लेकर रखते हैं, चाहे वो पढ़ाई का स्ट्रेस हो, चाहे वो कोई और भी स्ट्रेस हो। सो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपने ये रिपोर्ट देखी, आपके सबसे ओपनिंग कमेंट सबसे पहला क्या होगा? यहाँ पर जब मैं ये देख रही हूँ तो इसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत क्लियरली समझ आ रही है कि जैसे बताया गया, बच्चा कट रहा था अपनी फैमिली से, और फैमिली वालों ने शायद एक बार उसको डॉक्टर को दिखाया तो है, बट जितनी उसकी केयर होनी चाहिए थी, उस बच्चे को कहीं ना कहीं प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर बच्चे को समझना, उसको ये महसूस कराना कि हम तेरे लिए अवेलेबल हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस गेम में जो प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे इमोशनली कहीं ना कहीं कटते जा रहे हैं, और वो इमोशनल डिस्कनेक्ट जो हो रहा है, वही चीज़ को तो हमने सॉर्ट आउट करना है, वही तो एक ब्रिज बनाना है, और वो ब्रिज पेरेंट्स बना सकते हैं, उसके अपने सिबलिंग्स बना सकते हैं, उसके अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक इमोशनल कनेक्ट जो है हम क्रिएट करें। अंजलि कक्कर जी, क्या आप सहमत है इस बात से? क्योंकि 30 साल का आपका भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, स्कूल के अंदर आपने बच्चों को पढ़ाया और आपने बहुत नज़दीक से बच्चों का हर चीज़ देखी है, किस तरीके से वो पढ़ाई में या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अपने आप को देखते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 30 साल का लंबा एक्सपीरियंस आपका भी रहा है स्कूल के अंदर, किस तरीके से देख रही हैं आप इस घटनाओं को? देखिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चों को ध्यान से ऑब्ज़र्व करें। वो स्कूल से जब घर आते हैं, कोई ना कोई अगर उनके माथे पे शिकन है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि क्या हुआ उसके साथ आज, क्या हम अपने बच्चे को वो टाइम आज दे पा रहे हैं। बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें एज अ पेरेंट बच्चे के साथ बैठना, उसको क्वालिटी टाइम देना। ज़्यादातर पेरेंट्स ये बोलते हैं हमें पीटीएम में आकर कि मैम आई एम ऑल्सो वर्किंग, मैं भी एक वर्किंग पेरेंट हूँ, मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है। तो इसका प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है कि आप क्वालिटी टाइम दीजिए बच्चे को। जब आप बच्चे के साथ बैठे हैं, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखिए, टीवी को बंद रखिए। दैट 20 मिनट्स टाइम इज जस्ट मेंट फॉर योर चाइल्ड। तो जब बच्चे को ये एहसास होगा कि पेरेंट मेरी बात को सुन रहा है, बच्चा आके अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करेगा। देखिए, बच्चे के पास बहुत सारा रीज़न है स्ट्रेस आज के टाइम पे, उसके ऊपर पीयर प्रेशर है, फ्रेंड्स का प्रेशर जैसे कि हम कहते हैं, उसके ऊपर एजुकेशन का, अपने करियर को लेके बच्चा स्ट्रेस्ड आउट है, अब ये जैसे गेम की बात हो रही है, फ्रेंड्स गेम का जिक्र कर रहे हैं। सो बच्चा चाहता है कि मैं लेफ्ट आउट ना रहूं, आई शुड बी ऑल्सो पार्ट ऑफ द रैट रेस।
चेंज इन टेक्नोलॉजी भी मैम कहीं ना कहीं निकल के सामने आती है कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी भी है बहुत जल्दी जिस तरीके से चेंज हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से पहले मोबाइल नहीं होते थे, पेजर से लोगों ने शुरुआत करी, फिर मोबाइल आए, मोबाइल के बाद आईपॉड्स आए, आईपॉड्स के बाद कहीं ना कहीं नोटबुक्स आए, सो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड भी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज हो रहा है, बच्चे भी उसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, एक ये भी बहुत बड़ा कारण मैं समझता हूँ। इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ अजय मीना जी भी हैं जो कि एक खुद इन्होंने अपनी रियल लाइफ एग्जाम्पल देखा कि एक बच्चा ब्लू व्हेल गेम डाउनलोड कर रहा था, उन्होंने उनको समझाया क्या कुछ वाक्य था, वो मैं अजय मीना जी से खुद उनकी जुबानी जानना चाहूँगा। अजय मीना जी, आपने क्या देखा था वो हम जानना चाहेंगे और दर्शकों को बताना चाहेंगे। एक्चुअली मैं एक बार अपने कैसे रिलेटिव के यहाँ गया था, तो मैंने देखा कि सारे बच्चे आ रहे हैं, उनके दो तीन बच्चे हैं, तो उनमें से एक आया, उसने नमस्ते बोला, ढंग से बात करी। उनका एक बेटा थोड़ा अलूफ सा और बात नहीं कर रहा, कट रहा था, तो फिर मैं इवनिंग तक उनके घर ठहरा था डिनर पे। तो उसके बाद मैंने इधर उधर मतलब बातचीत करते करते वैसे ही उनके घर में मैं वॉक कर रहा था, तो वहाँ पे देखा तो सेपरेट रूम था उस बच्चे का, वो एकदम हकबका सा गया एकदम। मैं पहुँचा रूम पे तो मैंने कहा बेटा क्या कर रहे हो आप, कौन सी क्लास में हो, कुछ जवाब ढंग से नहीं दिया अंकल उसमें वो मुझे चाह रहा था कि मैं मतलब ज़्यादा बात ना करूँ चला जाऊँ। और अचानक मैंने उसकी कंप्यूटर की तरफ देखा तो वो ब्लू व्हेल गेम को डाउनलोड कर रहा था, और तुरंत मैंने उसको स्टॉप किया और उसके फादर को अवेयर किया कि देखिए ये इस तरह के काम कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि आजकल बहुत से रिलेटिव के मैंने बच्चों को देखा है जो बहुत क्यूरियस है उसको लेके, बच्चे आपस में बात करते हैं यार ये बहुत अच्छा गेम है, इसमें ऐसे है वैसे हैं। मुझे लगता है पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्व रहना चाहिए बच्चों के साथ, ताकि पता लग सके कि इसकी एक्टिविटी क्या चल रही है, क्या बातचीत करता है। हम क्या करते हैं, अपनी मुसीबत को टालने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कि जाओ बेटा इसे खेल लो, कोई बात नहीं, इट इज़ टू डेंजरस। बिल्कुल मैम, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन बाय अजय मीना जी, जैसे बता रहे हैं कि हमने ये देखा कि किस तरीके से हमारे जो टीन है वो इंटरेक्ट करते हैं रिश्तेदारों के साथ या फिर जो भी फैमिली मेंबर हमारे घर पर आ रहे हैं, अगर वो इंटरेक्ट नहीं तरीके से कर पा रहे तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। और ये भी जानना बड़ा जरूरी है कि जो ये स्ट्रेस का कॉज है आखिरकार इसके पीछे कॉज क्या है, क्योंकि स्ट्रेस आना बच्चों के अंदर, चाहे वो ब्लू व्हेल गेम डाउनलोड कर रहे हो, चाहे वो ब्लू व्हेल गेम खेलते हो, या फिर कोई और पेरेंटल प्रेशर हो, या फिर कोई एजुकेशन प्रेशर हो, कोई ना कुछ प्रेशर तो बच्चों पे रहता है, तब करके ये स्ट्रेस बिल्कुल निकल के सामने आता है। मैं जानना चाहूँगा मैम आपसे, डॉक्टर संजू गंभीर मेरे साथ मौजूद हैं, सबसे अहम सवाल मैम आज की डेट में जो जुड़ा हुआ है पेरेंट्स के लिए भी, अभिभावक के लिए भी और सबके लिए, और जो बच्चों को पढ़ाते हैं चाहे वो मेंटर्स हों टीचर्स हों, कि कौन सी एज में बच्चों को मोबाइल देना चाहिए। आजकल मैंने देखा कि छोटे से छोटा बच्चा भी अपने हाथ में मोबाइल लेके घूम रहा है, लेकिन क्या एक ऐसी एज होनी चाहिए कि जब बच्चे के हाथ में मोबाइल होना चाहिए और उसको पर्सनल मोबाइल देना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो मोबाइल जो है वो पेरेंट्स का भी ले लेते हैं या फिर घर पे कोई फैमिली मेंबर आया उसका मोबाइल सबसे पहले लेते हैं, और कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि बच्चों को मोबाइल की तरफ जो है वो ज़्यादा खींचते जा रहे हैं और किताबों की तरफ कम। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा, और ये बिल्कुल सही है कि एक छोटा सा बच्चा है उसे भी उस मोबाइल की तरफ अट्रैक्शन ज़रूर होता है, और हमें एज अ पेरेंट ये समझना है कि बच्चे को अगर मोबाइल पकड़ाना भी है तो क्या उस मोबाइल में उसके लिए वो जो हम चीज़ें नहीं चाहते वो चीज़ें ब्लॉक्ड हैं, या मोबाइल्स भी कई तरीके के आते हैं, मोबाइल्स ऐसे जिसमें सिर्फ आप अपने बच्चे को कॉल करके उससे बात कर सकते हो, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आप अपने बच्चे से कनेक्टेड रहना चाहते हो, तो यंग एज के पास स्मार्टफोन ना हो, कहीं ना कहीं ऐसा फोन अवेलेबल हो जिससे वो कनेक्शन जुड़ा रहे बच्चे के साथ कि वो कहाँ पर है, इंक्वायरी जो है वो पेरेंट्स कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बच्चों को इनफैक्ट क्या है वो इन्फ्लुएंस्ड है अपने पेयर ग्रुप के साथ, और बहुत से लोग आज की डेट में इतने मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं कि वो शोशागिरी में अच्छे से अच्छे मोबाइल खरीद के अपने लिए तो रखते हैं, बच्चों को भी देते हैं ताकि उनका एक स्टैंडर्ड बना रहे इस सोसाइटी में, और ये जो सोसाइटी में स्टैंडर्ड फेक सा बन रहा है इससे बच्चे सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। तो मेरी पेरेंट्स के लिए एक बहुत सिंसियर एडवाइस है कि आप अगर अपने बच्चों को मोबाइल देना भी चाहते हैं तो स्मार्टफोन ना दें, जब तक अगर उनको वो उस एज के ना हो जाए, मैच्योर ना हो जाए, लेट देम पास आउट फ्रॉम स्कूल, थोड़ी सी उनको अकल आने दो, थोड़ी सी मैच्योरिटी आने दो कि वो उसका सही इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल मैम, अंजलि कक्कर जी भी मेरे साथ हैं, एजुकेशन एक्सपर्ट हैं। मैम आपने कहीं पेरेंट टीचर मीटिंग्स देखी होंगी, कहीं पेरेंट्स आपके पास आए होंगे, क्या सवाल रहते हैं उनके जहन के अंदर जब वो आपसे आके बात करते हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि यही शिकायत रहती है कि हमारे घर पे बच्चे पढ़ते नहीं, नंबर कम आ रहे हैं, तो ऐसी कई और तमाम चीज़ें होंगी जो आपके सामने रखी जाती होंगी इन पेरेंट्स के ज़रिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात उठ के आती है वो ये कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते, बात नहीं सुनते। आजकल बच्चे हमारी बात नहीं सुनते,
आप स्कूल में ये बात कह के भेजते हो होमवर्क करवाइए, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। देखिए, बच्चे आपकी बात सुनेंगे, आफ्टर ऑल वो आपके बच्चे हैं, प्रोवाइडेड कि आप उनको उनके वे में बोलो, एज अ फ्रेंड उनसे आप बात करो। देखिए, आप अगर आप उनका इंटरनेट पे सर्फिंग बंद कर देंगे, आप स्ट्रिक्चर्स उन पे इम्पोज करेंगे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, ट्राई टू बी ए फ्रेंड टू योर चाइल्ड। और अपने अगर पेरेंट्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बच्चों के साथ शेयर करें कि जब हम स्टूडेंट्स थे हमें भी ये वाले प्रॉब्लम्स आते थे, कहीं ना कहीं जो वो गैप है वो ब्रिज हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स बच्चों को इन कॉन्फिडेंस लें, उनसे शेयर करें और हाइड नहीं करें। और इंटरनेट पे इतना कुछ रॉन्ग हो रहा है, छुपाने की कोशिश नहीं करें, रादर उनको चाहिए बच्चों से वो बात डिस्कस करें कि बेटा ये प्रॉब्लम है, इस गेम से ये दिक्कत आती है, ये प्रॉब्लम, एंड इट एंड्स इन किलिंग यू। आपके लिए गेम आल्सो, देयर आर सर्टेन साइट्स अवेलेबल इन यू नो एंड गूगल और देयर अवेलेबल इन वेब की वेरन की बच्चों को वहां पर नहीं जाना चाहिए और बच्चों को वहां पर रोकने से मेरे को लगता है कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए बच्चों को। मैं यहां कुछ ऐड करना चाहूंगी, आप जब भी किसी को रोकने की बात करते हो ना तो क्यूरियोसिटी और बढ़ाते जाती है, बिल्कुल सही बात। राइट, तो रोकने के अलावा आप जब उनसे बात करो तो एक पॉजिटिव वे में, आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, और आप वो चीज़ उनसे बात करो जो आप चाहते हो कि वो करें, जो ना करें उस बारे में बात ना करें। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को बोलोगे ना टीवी नहीं देखना, तो वो बच्चा टीवी ज्यादा देखेगा। उसके बदले आप चाहते हो कि वो पढ़े, तो आप उसको ये बोलो कि अब आप बैठकर पढ़ो, या आप चाहते हो कि वो खेलने जाए, तो आप उसको वही चीज बताओ जो आप चाहते हो। इवन मैम, आई हैव सीन अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हमने भी अपनी लाइफ में एक एग्जाम्पल देखे हैं कि जहां पर पेरेंट्स को बच्चे कहते हैं कि आप मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है क्या करना। आजकल ये जवाब भी आमतौर पर जो है वो पेरेंट्स को मिल जाते हैं, और सोशल मीडिया मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इसका एक मेन कारण है कि बच्चे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, देर आर सर्टेन ऐप्स अवेलेबल फोन के अंदर कि बच्चे वहां पर ज्यादा जाना चाहते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अंकित कुमार, जो कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, हमारा सोशल मीडिया बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं और बखूबी जानते हैं सोशल मीडिया के बारे में। अंकित, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या क्या चीजें ऐसे आप सुबह से शाम तक सोशल मीडिया के अंदर देखते हो जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हो कि हाँ यार, ये कौन सी एक नई एप्लीकेशन आई है या फिर ये कौन सी नई गेम आई है, मैं इसको खोलकर जरूर देखूंगा, खेलकर जरूर देखूंगा। एक्चुअली ऐसा होता है कि आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है, सारे बच्चे जो हैं उनके पास स्मार्टफोन है, और बच्चे भी स्मार्ट हैं, तो जब वो फेसबुक, व्हाट्सएप और गूगल पे रहते हैं तो उन्हें सारी जानकारी हो जाती है कि आज क्या आया, आज कौन सा एप्लीकेशन आया, कौन सा गेम आया है, तो उनको लगता है कि आज अच्छा ये ट्राई करते हैं, ये वाला गेम खेलते हैं। और जैसे ब्लू व्हेल गेम आया, तो जैसे एक बच्चे ने ब्लू व्हेल गेम खेला, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गेम है ये गूगल स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर और ऐप पे आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये आपको कहीं लिंक पे मिल सकता है या किसी के पास हो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी के पास ये लिंक है तो वो पहले तो ये लिंक तुरंत डिलीट कर दें, आगे बिल्कुल फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि ये गेम ऐसा गेम है जो आपकी जान भी ले सकता है। और इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि इस गेम को लेकर लोगों में ये है, बच्चों में, कि बच्चों को लगता है वो इसमें इतना वो हो जाते हैं, 50 दिन तक खेलते हैं, 50 टास्क होते हैं, और लास्ट वाले टास्क में क्या होता है कि उनको सुसाइड करना होता है, तो बच्चों को लगता है इसमें जो भी बताया जा रहा है वो सब सही है, उनको बोला जाता है अगर आप ये वाला टास्क नहीं करोगे तो आपके फादर को वो कर दिया जाएगा या मदर को ये कर दिया जाएगा, तो बच्चे डर जाते हैं, तो उनको लगता है कि अच्छा ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, कहीं मुझे ये ना कर दिया जाए, तो इस डर में वो सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं पहले उनको ये कहना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जरूर जानना चाहूँगा कि जब आप सुबह शाम फेसबुक खोलते हैं या फिर आप फेसबुक के अंदर पेज हमारा संभालते हैं, तो ऐसी कैसी कैसी एडवर्टीजमेंट्स जो हैं जो वो भी सामने आती हैं जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं। चलिए, आपकी एज तो हमने मान ली कि यू आर अबव 18, बट मैं जानना जरूर चाहूँगा, उन पेरेंट्स को जरूर बताना चाहूँगा कि ऐसी एडवर्टीजमेंट्स भी आती हैं फेसबुक के ऊपर जहाँ पर बच्चे भी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि जब बच्चा फेसबुक खोलता है और उसके साइड में अगर वो कुछ सर्च करता है तो फेसबुक में हमें वही ऐड देखने को मिलती हैं। तो ऐसा होता है कि अगर आप बच्चे के साथ हैं और बच्चे ने अपनी फेसबुक खोली हुई है, अगर उस पर ऐड आता है तो आप एक चीज़ पता कर सकते हो कि बच्चे ने क्या खोला हुआ है, क्योंकि फेसबुक पर ऐड वही आते हैं जो आप सर्च करते हो, ये सारी चीज़ें हैं। मैं अंकित, एक आखिरी सवाल आपसे और जानना चाहूँगा, क्योंकि इसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि क्या नज़र रखी जा सकती है बच्चों के फेसबुक के ऊपर, क्या ऐसा कुछ कनेक्शन होता है कि पेरेंट्स भी बच्चे की फेसबुक प्रोफाइल चेक कर सकें?
देखिए आजकल तो ऐसा माहौल है कि बच्चे फेसबुक तो अपना शायद किसी को नहीं देंगे, पेरेंट्स को भी नहीं देखने देंगे, बट पेरेंट्स को ये ध्यान देना होगा कि बच्चे से थोड़ा सा घुले मिले और उनसे बोले कि ऐसा करना है, फेसबुक चलाना, ठीक है आप फेसबुक चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अगर बच्चे को मना करोगे तो बच्चे शायद नहीं माने, क्योंकि फेसबुक ट्विटर ये सारी चीज़ें हैं, आज के बच्चों को सब कुछ चाहिए, फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, ट्विटर चलाना है, तो आप मना कर नहीं सकते, आप जितना मना करोगे वो उतना ही करेंगे, तो आप उनको समझा सकते हो कि बेटा ऐसे ही करना है। कहीं ना कहीं अंकित जी बहुत बहुत शुक्रिया, कहीं मैम वही बात निकल के सामने आई कि जितना हम बच्चों को मना करते हैं उनको क्यूरियोसिटी बढ़ती है और वो उस चीज़ को देखना जरूर चाहते हैं और खोलना जरूर चाहते हैं कि आखिरकार इसमें है क्या। इसी तरीके से ब्लू व्हेल जो गेम है कहीं ना कहीं बच्चे उसको देखना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, और जब वो आखिरी स्टेज पर पहुँचते हैं तो अपने आप ये ऐसी दर्दनाक जो चीज़ें हैं निकल के सामने आती हैं और कहीं ना कहीं उनको मौत के घाट उतारा जाता है इस ब्लू व्हेल गेम के द्वारा। मैं बात कर रहा हूँ ब्लू व्हेल मछली की, जो आजकल एक ट्रेंड नया शुरू हो गया है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, गेम है जो बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं और स्टेज होती है इसके अंदर जो वो क्लियर करते हैं और उसके बाद वो गेम आपको कहती है कि आपको अब अपनी जान देनी है। सो मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं जिसपे हम बात कर रहे हैं इन मुद्दों के ऊपर, लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी बठिंडा से जुड़ चुके हैं लाइव। मैं जानना चाहूंगा कि बठिंडा में वो एक फैमिली के साथ अभी बैठे हुए हैं, कई सवाल हैं उनके जहन के अंदर, वो भी उनका बच्चा भी जो है वो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर रहा था ये वाली ब्लू व्हेल, जिसको उनके अभिभावक की तरफ से पेरेंट्स की तरफ से रोका गया, लेकिन क्या कुछ कहना है। अमित शर्मा मेरे साथ बठिंडा से लाइव है। अमित की कुछ चल रहा है बठिंडा के अंदर, तुम परिवार के नाल बैठे हो, की कुछ माहौल है उत्थे? मैं इस वक्त बठिंडा के एक परिवार के कोल बैठा, तो जिहड़े बच्चे अजकल मोबाइल के बहुत ज़्यादा अडिक्ट ने, तो इस परिवार के भी जिहड़े बच्चे ने वो भी मोबाइल जिहड़ा इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो कितने ना कितने जिहड़ी परेशानी हैगी है जिहड़े मापे ने उन्हां नूं आ रही है, क्योंकि बच्चे मोबाइल के इन्ने ज़्यादा आदि हो चुके हैं इंटरनेट चलाने के, तो काफ़ी ज़्यादा जिहड़ी दिक्कतों का सामना करना पैंदा है। सवेरे स्कूल जाने तो पहला होवे या घर आने तो बाद जिहड़ा मोबाइल का यूज़ है वह जिहड़े बच्चे ने बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे वह गेमां खेडते हैं या यूट्यूब का जिहड़ा अडिक्ट आप कह सकते हैं, यूट्यूब का भी बहुत ज़्यादा बच्चों को शौक है यूट्यूब से अलग अलग जिहड़ी राइम्स वगैरह देखना, तो इस परिवार के विच भी आप कह सकते हैं कि एक वड्डी जिहड़ी परेशानी यह बनी हुई है भी जिहड़े बच्चे ने अजकल मोबाइल का इन्ना अडिक्ट है, तो आप इस परिवार तो ही जानते हैं, एक पढ़िया लिखा परिवार है तो उन्होंने ही जानते हैं भी कितनी दिक्कत आ रही ने, तो बच्चे जिहड़े हुण मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो किन्ना को उन्होंने परेशानी का सामना करना पै रहा, तो किस किस तरीके जिहड़े बच्चे वो मना रहे हैं या बच्चे नहीं मोबाइल छड़ते, तो जिहड़ी उन्हां दी दिक्कत है वो खुद अपने आप उन्हां तो ही जानते हैं। तो इस वक्त आप आर पी सिंह जी के कोल बैठे हैं, एडवोकेट ने, तो इन्हां तो पुछते हैं भी किन्नी दिक्कत इन्हां नूं जिहड़ी आ रही है। हाँ जी आर पी जी की कहना चाहोगे, जिहड़े अजकल मोबाइल इंटरनेट जिहड़े बच्चे है छोटी उम्र के बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो अडिक्ट हो चुके हैं बिल्कुल नहीं छड़ते, तो की कहना थोड़ा ये बारे किन्नी दिक्कत आ रही? एक्चुअली मेरी आपकी बेटी है फिफ्थ क्लास के विच हैगी है, तो वह इन्नी फ्रिकुएंट हैगी है मोबाइल देखती है कंटिन्यू देखती है लगातार दो दो घंटे देखती रहती है, तो ये वह वीडियो मल्टीपल वीडियोज़ देखती है सिंगल टाइम के इन्नी कि एक वीडियो देख ली जिमें आम देखता है बच्चा उस तरह नहीं, वो मल्टीपल देखती, तो ये इन्नी कंप्लीकेशनस हैगी है कि वो रात को सोते सोते मतलब कई दफा वो गल कर लग जाती है जिमें उन्हें पता ही नहीं लगता कि उन्हें की कुछ बोल रही है की कुछ मतलब उन्हें एक्ट वो कर रही है, जो असी उन्हें हिलाने तो वह इरीटेट हो जाती है। तो इस तो अलावा एक कंप्लीकेशन ये हैगी कि असी कोई भी गल करते हैं घर जिमें उन्हें काम कहने या समझाने की कोशिश करते सी ऑलवेज इग्नोर हमेशा इग्नोर कर दी, तो रादर एक गल नूं कहन मतलब एक गल जे उन्हें टारगेट करनी तो उन्होंने दो तीन दफा कह के समझाना पैंदा है, ये कंप्लीकेशन सानूं आ रही है। तो मतलब ये मीडिया जिहड़ा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया हैगा इहदे विच इंटरनेट है इहदे विच यूट्यूब है ये इन्ने अनहाइजेनिक हैगे है कि असी सानू थ्रैट है कि कल नू बच्चे नू जिहड़ा कल्चर हैगा उस तो डाइवर्ट हो रहे हैं, तो इस करके मैनू डर है कि उन्हूं मतलब कई दफा समझाया कई दफा असी मतलब दिन रात समझाने की कोशिश करते सारी फैमिली करती है बट वह इस चीज़ को समझ नहीं रही, पता नहीं क्यों अट्रैक्ट हो रही है। रादर इस तो छोटी एक बच्ची हैगी है मेरी, तो वो मतलब हजे दो साल की भी नहीं, उस चीज़ को लैके मतलब जेडे मतलब फंक्शन सानू नहीं पता वो यूज़ कर रही है, तो असी मतलब सानू इस चीज़ का हल नहीं मिल रहा, असी बहुत कोशिश की है। साडे नाल जिहड़ी बच्ची भी इत्थे मौजूद है तो असी उस तो भी जानते हैं भी कि गेम्स वो खेलते हैं किदां ना उन्होंने लगता खेल के, तो की कहना उन्होंने बारे उस बच्ची नाल भी आप गल करते हैं। हाँ जी बेटा क्या नाम है आपका, कौन कौन सी गेम्स आप खेलती हो, दिन में कितनी बार मोबाइल यूज करते हो? मैं गेम्स दो तीन खेलती हूँ लाइक कुकिंग गेम्स एंड बारबी गेम्स, और मैक्सिमम टू मैं 2-3 आवर्स खेलती हूँ दिन में।
आपको दिक्कत नहीं होती सारा दिन मोबाइल, जैसे इवनिंग में मॉर्निंग में स्कूल जाने के बाद तो सारा दिन आप इससे लगे रहते हो? कभी कभी होती है, तो वैसे मुझे रूटीन में नहीं होती। अच्छा, तो छोड़ना, अगर आपको छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो मोबाइल। हाँ जी। साडे नाल उन्हां दे मदर भी ने, ते उन्हां तो भी आपां जानदे हां क्योंकि जिहड़ियां महिलावां ने आम तौर ते उन्हां नूं बड़ी दिक्कतां दा सामना करना पैंदा है, ते बच्चे जदों मोबाइल दे अडिक्ट होण तां उन्हां दा की कहना, आपां उन्हां तों भी जानदे हां। हां जी मैडम, की कहना चाहोगे तुसीं, जिवें हुण बच्चे छोटी उम्र दे जां वड्डे मोबाइल दे बहुत ज्यादा अडिक्ट है, ते किन्नी परेशानी हो रही है? सर, परेशानी तो बहुत ज़्यादा होंदी है जी, बच्चे सारा दिन मोबाइल ही देखी जाते हैं, जे कोई फोन आता है तो भी वो इरीटेट हो जाते हैं, जो भी हूँ सानू फोन छड़ना पैना है, माँ या पापा ने फोन सुनना है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है। फिर बाकी यूट्यूब ते जिवें दा कुछ अवेलेबल है वह सानू बहुत डर रहिंदा है कि बच्चे देखते हैं जो भी, वो मतलब सब कुछ ही देखने को अवेलेबल है, जो चीज़ा बच्चों लिए नहीं भी बनिया वो भी, तो इस चीज़ का थ्रैट रहा है। हूँ सारा दिन बच्चे के नाल रह के नहीं देखा जा सकता भी वह की वॉच कर रहा है, सो ये बहुत परेशानी है जी। बिल्कुल, इतने इन्हों के कुछ सवाल भी है ने, खुद पूछना चाहते हैं भी किस तरीके जोड़ा है एडिक्शन जी हटाई जाए, या सुझाव इन्हों खुद चाहिए ने, तो आप कहते जो परिवार है ये कह रहे भी सानू कोई ना कोई इस तरीका दसा जाए भी जिमें असी बच्चे अपने मोबाइलों तो दूर कर सकिए, तो आप इन्हों तो गल करते हैं भी ये की चाहते की ने किस तरीके की सुझाव। बिल्कुल अमित, मैं जानना चाहवागा कि केड़े केड़े सवाल उन्होंने जहन च इस टाइम चल रहे हैं, कि कुछ वो जानना चाहते हैं। मेरे नाल पैनलिस्ट मौजूद ने, मेरे नाल साइकोलॉजिस्ट ने, मेरे नाल एजुकेशन एक्सपर्ट ने, जो उन्होंने गलों का उन्होंने सवालों का जवाब दे सकते हैं, कि चल रहे उन्होंने दिमाग के की सवाल ने जोड़े जहन चल रहे हैं इस टाइम जी। जी एक्चुअली मैं यही चाहना कि जिमें जिमें मेरी बेटी है, मैं जिमें पहला भी कहा कि वो रात नू जिमें सारा दिन वीडियो देखती है, मल्टीपल वीडियो देखती है, रात नू इरीटेट होंदी है, बहुत कुछ बोलती है, चीका मारती है, डरती है, सुबह उठते सारी उदो हैडिक होंदी है, इहदा की अल्टरनेट है ये नहीं समझ आ रहा सानू। सो ये सानू सुझाव दो कि असी उस बच्चे नू किस तरह दूर रख सकिए, ताकि असी मतलब उन्हें एक नवे पासे ले जा सकिए। सो सानू ये बहुत डर है, तो टेंशन रहती है इस चीज़ की सानू जी। बिल्कुल हकीरत, जेकर परिवार की गल की जाए तो बहुत ज़्यादा एक टेंशन का मसला बनया हुआ, क्योंकि यूट्यूब से हर तरह के वीडियोज़ अवेलेबल ने, तो परिवार को कितना ना कि बहुत ज़्यादा डर भी सता रहा, तो वो यदा हल जरूर चाहते हैं, ताकि कोई हल उन्होंने मिले या कोई सुझाव मिले तो वो इस सुझाव के उत्ते काम कर, ताकि जेडे अपने बच्चे है उन्होंने मोबाइल से दूर रखन। अमित, साड़ी भी वही मुहिम है, पेरेंट्स तक वो गल्लां पहुँचन, पेरेंट्स के पास वो बातें जाएं जो वो जानना, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। सो साढ़े नाल सहयोगी जुड़े से अमित शर्मा जी, बिल्कुल जानना चाहूँगा मैं डॉक्टर संजू गंभीर जी जो मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम, मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम कि आपने सुना कि जिस तरीके से उनके क्वेश्चन हैं कि उनकी बेटी जो गेम की तरफ ज़्यादा जा रही है, पढ़ाई नहीं कर पाती, रात को उसको हेडेक होता है, सुबह उठ के वो चिल्लाती है, स्कूल नहीं जाना चाहती, सो ऐसे कहीं तमाम सवाल हैं जो इन पेरेंट्स के नहीं और भी ऐसे कहीं पेरेंट्स होंगे जिनके जहन में चल रहे होंगे। सबसे पहले तो ये जानना बहुत 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 जरूरी है कि ये सारे गैजेट्स जितने भी हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप्स हो, आपका कंप्यूटर हो, टीवी हो, जितने भी ये टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट गैजेट्स हैं, इन सब में एक रेडिएशन होता है, और वो रेडिएशन दिखाई नहीं देता, बट उसका इफेक्ट डायरेक्टली हमारे ब्रेन के ऊपर पड़ता है और हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है, और उसी के कारण लोगों में इरिटेशन आ जाती है। जब वो ज़्यादा देर तक उसके साथ उसके साथ बैठे हुए हैं, तो एक इरिटेशन, दूसरा डिजीनेस। बिल्कुल मैम, आपने इरिटेशन की बात करी और डिजीज की बात करी, मैं अंजलि मैम से भी जान लेता हूँ। मैम, मैं एज एन पेरेंट अगर देखूँ, क्योंकि आप भी एक माँ हैं, टीचर से, टीचर तो आप बाद में हैं लेकिन आप एक माँ हैं, बच्चों के अंदर आजकल नेगेटिविटी भी आ जाती है अगर बच्चों को ज़्यादा टोको तो, एक पॉजिटिव सोच मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच होनी चाहिए जिस तरीके से बच्चों को इस सिचुएशन से बाहर निकाला जा सके। हाँ, इसका एक सलूशन ये है कि आप बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए अपने साथ, इंडल्ज इन अ गेम विथ योर किड, इट मे बी एन आउटडोर गेम या इनडोर गेम हो सकता है, अलाउ द चाइल्ड टू विन, समटाइम्स यू विन, तो एक जो बच्चे के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कहीं ना कहीं बच्चों को तो आज की डेट में प्राइवेसी चाहिए, उनको लगता है कि हम अब कमरे में खुद रहना पसंद करते हैं, बाहर नहीं आते, और स्पेशली मैंने भी एग्जांपल देखे हैं कि पेरेंट्स को खाना खाने तक के लिए बुलाना पड़ता है कि आ जाओ खाना खा लो, मतलब प्राइवेट रूम के अंदर वो अपने आप को बंद रखना चाहते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है मैम? देखिए, इनको बच्चों को हो गया है एडिक्शन मोबाइल से, इंटरनेट से,
सो उस एडिक्शन से हमको डी एडिक्ट करना है, तो एक पॉजिटिव हमको और फर्म स्टेप लेना पड़ेगा. वी हैव टू इंडल्ज द चिल्ड्रन इन फिजिकल एक्टिविटी. बिल्कुल अजय जी, मैं आपसे शॉर्ट एंड क्रिस्पी जाना चाहूंगा. एक अभी मुझे आप एग्जांपल बता रहे थे कि आपने कुछ ऐसी चीज देखी और आपने बच्चे को समझाया, क्योंकि मेरे को इसके बाद ब्रेक पर जाना है तो मैं जाऊंगा कि आप उसको जल्द समझाएं. हुआ ये कि भाई मेरा बच्चा स्कूल से आया और थोड़ा चुप चुप सा था. मैंने कहा बेटा क्या बात हुई? कह रहा पापा वो ब्लू व्हेल के बारे में आजकल बच्चे बात कर रहे थे, ऐसा होता है वैसा. मैंने कहा बेटा ये फेक है, ये सब कुछ नहीं है, ये इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें आती हैं, इनको नहीं देखना चाहिए. तो बोला नहीं नहीं पापा आपको मालूम नहीं है, वो लोग अगर गेम खेलना पड़ेगा अगर स्टॉप कर देंगे तो गाड़ी आती है और पेरेंट्स को मारती है. वो बहुत सीरियस हो गया. मैंने एकदम सीरियसली ना जवाब देके उसकी सीरियसनेस को ब्रेक करा और ह्यूमर क्रिएट कर दिया अचानक. मैंने कहा कि गाड़ी कैसे आएगी बेटा, इतना इतना ट्रैफिक जाम है, यहाँ तो दिल्ली पुलिस पकड़ लेगी अगर ट्रैफिक आएगा, इतना जाम है, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आती. और आएगा तो ह्यूमर डाल दिया उसके बीच में और उसका जो दिमाग है उसका जो सोच का दिमाग डाइवर्ट कर दिया, डाइवर्ट कर दिया. और उसको प्यार से समझाया कि बेटा ये सब फेक है, इन चीजों पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. और ज्यादा कहीं पेरेंट्स को भी जो है वो इन्वॉल्व होना पड़ेगा बच्चों के साथ, पूछना पड़ेगा कि आज स्कूल में क्या हुआ, स्कूल में क्या किया, किसी से लड़ाई तो नहीं हुई, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, फ्रेंड्स कौन कौन है, ये भी बहुत अहम सवाल है कि वो क्या उनको सिखा रहे हैं और वो क्या सीख रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे. ऐसे कहीं और भी सवाल हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं नीचे लिखे हुए नंबरों पे. आप कोई भी आपके जहन में इस टाइम सवाल चल रहा हो, मेरे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनकी राय आप ले सकते हैं. मेरे साथ कमलजीत कौर जुड़ चुकी हैं जो कि कुरुक्षेत्र से मेरे साथ जुड़ी हैं. कमलजीत कौर जी, क्या सवाल है आपका? मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, क्या कुछ पूछना चाहती हैं आप? ऑन एयर हैं. हेलो सर जी. सर मेरा ये प्रश्न है कि बच्चों को हम फोन दूर कैसे रखें? बिल्कुल कमल जी, मैं पूछना चाहूंगा कि मैम एक वही सवाल बिल्कुल सामने आया कि बच्चों को फोन से कैसे रखें. अभी ब्रेक से जाने से पहले मेरे से अजय जी बात कर रहे थे कि उनका बच्चा जो है वो फोन के प्रति इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था कि वो फोन नहीं छोड़ता था. तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल बताया कि बच्चों को मोबाइल की लत से कैसे हटाया जा सकता है. मैं ये सवाल का जो आंसर है जानना चाहूंगा आपसे अजय जी, क्या बताना चाहेंगे आप कमलजीत कौर को? जी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मेरा बच्चा मोबाइल से बहुत ज्यादा एंगेज होता जा रहा था और जैसे ही मैं उसे रोकने की कोशिश करता तो वो बहुत तेज गुस्सा होता था. मुझे समझ नहीं आया कि मैं किसे कैसे स्टॉप करूं. मैंने एक बहुत अच्छा अल्टरनेट ये निकाला कि इसको इंडोर एक्टिविटी के अलावा आउटडोर बाहर ले जाएं, माइंड खुलता है, फ्रेश होता है. मैंने इसे पास का एक क्लब ज्वाइन किया और उस क्लब को ज्वाइन करने के बाद ये फुटबॉल खेलने लगा और इतना फुटबॉल में इसको इंटरेस्ट बढ़ गया है ऑटोमेटिकली इसने मोबाइल का इसको टाइम नहीं लगता. ही ऑलवेज टॉक अबाउट द फुटबॉल, पापा ऐसा हुआ आज, कोच ने ऐसा करा. मेरे को अच्छा लगा, मैंने कहा इसके अंदर चेंज आया. तो मुझे ऐसा लगता है कि यही एक अल्टरनेट है मोबाइल का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद समय दें और चीज़ों की फैसिलिटी उसे दें, गेम्स प्रोवाइड कराएं या आप उससे बातचीत करें या कुछ और अल्टरनेट निकालें ताकि वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मोबाइल को भूल जाए. मतलब आप उसकी जिद का जो है वो उसकी जिद का जो आप उसको सहयोग ना करें. अगर आप कहीं ना कहीं सहयोग करेंगे, वो जिद कर रहा है कि मुझे मोबाइल चाहिए चाहिए और अगर वो मोबाइल की जिद बार बार लगातार आपसे कर रहा है, आप उसको मोबाइल दे रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप खुद उसको ये शय दे रही हैं कि हाँ मोबाइल को यूज करो. मैम एक बहुत बड़ा सवाल है ये, क्या बात है. हमारे साथ एक विदेश से हमारे साथ एक गेस्ट जुड़ चुके हैं, अमरजीत आलूवालिया जो कि सऊदी अरेबिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं. अमरजीत जी क्या जानना चाहेंगे आप, क्या सवाल है आपके जहन में? हेलो नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी. सत श्री अकाल जी. गल इस तरह है जी के बच्चा स्टार्टिंग तो जो बच्चा दो तीन साल का हो रहा ना उस माँ पे कंट्रोल उस मतलब जो हो गए गांह जो आने वाली न्यू जनरेशन आ बच्चों के मोबाइल का इफेक्ट ज्यादा ना पवे इस करके उन्होंने हूं माँ बाप को हूं तो ही कंट्रोल करना चाहिए उन्होंने बच्चों से. जी बिल्कुल अमरजीत जी, असं उही गल कर रहे हैं. कोई होर सवाल थोड़े जहन च इस टाइम चल रहा है तो तुम पूछ सकते हो. बाकी मैं क्या मैं अपने घर की गल दसदा जी, मेरा बच्चा बाहर जेवे बरसा रहता जे घर का तो माँ को मोबाइल जबरदस्ती मंग रहा लड़के मंग रहा जे नहीं दिंदी तो झगड़ा करता बच्चा. मां बच्चा ठीक है घर आके मोबाइल जबरदस्ती मंग रहा, मां को कहना मोबाइल दे मोबाइल दे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर संजू गंभीर जी ने मेरे नाल साइकोलॉजिस्ट ने जानने की कोशिश करते हैं कि जी मानसिकता अजकल बच्चों की मोबाइल प्रति ज्यादा हो चुकी है कि कुछ तुम दस दी मैं जानने की कोशिश करता डॉक्टर संजू गंभीर जी तो. मैं वही सवाल सबके जहन में पेरेंट्स के जहन में यही आ रहा है कि बच्चे लड़ते हैं कि हमें मोबाइल दो हमें चाहिए, एक लत लग चुकी है, एडिक्शन हो चुकी है बच्चों को मोबाइल के प्रति. तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी बच्चों की जो मानसिकता है वो मोबाइल के प्रति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या सजेस्ट करना चाहेंगी आप अमरजीत को? एक बहुत ही अच्छा जैसे पहले भी बताया गया, एक तो उन्हें आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, दूसरा एज अ फैमिली जो है यू हैव टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर इन द हाउस ऑफ वार्म्थ ऑफ लव
कि आपको अपने बच्चे को ये दिखाना है कि यू आर कंसर्न्ड, आप अपने बच्चे की परवाह करते हैं, और उसके लिए उसका एक्सेप्टेंस, वो जिस भी लेवल में हो एक्सेप्टेंस, ये नहीं कि वो गलत कर रहा है तो उसकी एक्सेप्टेंस में आए, पर उसकी कमियों के अलावा उसकी अच्छाइयों को उसको दिखाएं। अगर आप वो लत कर रहा है कि मुझे चाहिए चाहिए, आप उसको कहीं ना किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट जरूर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिया जाए। मैम, ऐसी शिकायतें तो आपको भी मिलती होंगी। मैं अंजलि जी आपसे भी जानना चाहूंगा कि पेरेंट्स आपके पास आते होंगे और कहते होंगे कि सारा दिन ये मोबाइल में गेम खेलता रहता है, या फिर चैटिंग करता रहता है, या फिर इंटरनेट यूज करता रहता है, पढ़ता नहीं है, तो आप क्या सजेशन देती हैं उस टाइम? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज के जो बच्चे हैं। टू सम एक्सटेंट तो वो इंटरनेट यूज़ करेंगे, कुछ वो अपने कोई चैप्टर्स हैं उनको वो स्टडी करना चाहेंगे, तो उस एक्सटेंट तक तो बात समझ में आती है। लेकिन जो एडिक्शन की बात हो रही है कि बच्चे 24/7 मोबाइल में इन्वॉल्व रहते हैं, ये बहुत ही रिस्की, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। कितनी उसमें से रेडिएशंस आती हैं जो कि बच्चों के लिए डेडली हार्मफुल हैं। तो बच्चों को ये समझाना ज़रूरी है कि देखिए, पॉइजन इज़ हार्मफुल, यू विल नॉट टेस्ट इट टू गेट टू नो दैट इट इज़ हार्मफुल। सो ऑल्सो रेडिएशंस फ्रॉम द फोन, रेडिएशंस फ्रॉम दैट कंप्यूटर आर गोइंग टू हार्म यू इवेंचुअली। मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा कुछ प्रावधान है, कोई ऐसी मोबाइल ऐप है या फिर वाईफाई जो आजकल घरों के अंदर लगा हुआ है कि हम कई जो भी साइट्स हैं उसको हम ब्लॉक करवाना चाहते हैं, या जैसे अगर ब्लू वेल की अगर हम बात करें, इस एप्लीकेशन को हम ब्लॉक करवा सकें, और भी जो कई आपत्तिजनक जो साइट्स होती हैं उसको भी अगर हम ब्लॉक करवाना चाहें, क्या ऐसा कुछ प्रावधान वाईफाई के अंदर हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल, जब आप अपने घर में वाईफाई लगवाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कौन सी साइट्स खोलना चाहते हैं या कौन सी साइट्स नहीं खोलना चाहते हैं, उसको आप बैन कर सकते हैं। आप अपने इंटरनेट प्रोवाइडर से बात कर सकते हैं और उसे कह सकते हैं कि हमें इस इंटरनेट, इस वेबसाइट का एक्सेस नहीं चाहिए। रही बात ऐप की, तो पेरेंट्स को एक चीज़ करनी चाहिए कि अगर उन्हें लगता है कि उनके बच्चे में कुछ बदलाव आ रहा है तो उसका फ़ोन चेक करना चाहिए। हालांकि बच्चे फ़ोन अपना नहीं देते, बट उन्हें फिर भी उनकी सेफ्टी के लिए फ़ोन चेक करना चाहिए। और आजकल जैसे कि बहुत सारे ऐप आ गए हैं, उन ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन हाइड हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे ने ब्लू वेल गेम डाउनलोड किया है तो आपको अपने बच्चे का फ़ोन चेक करना चाहिए, और अगर उसमें कोई हाइड एप्लीकेशन का ऐप लगा हुआ है कि जिससे एप्लीकेशन हाइड है, तो उसको तुरंत डिलीट कर दें, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि अगर उसने बच्चे ने ब्लू वेल गेम डाउनलोड किया है तो आप उसको तुरंत अनइंस्टॉल कर दें। अजय जी, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा, आपने जैसे हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताए, एज एन फादर आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और बच्चे को क्या कुछ सीख जो है आप देते हैं, ताकि मैं आपसे इसलिए जानना चाहूँगा ताकि जो पेरेंट्स हमें इस टाइम सुन रहे हों वो भी इस चीज़ को अपनी निजी ज़िंदगी के अंदर रखें और बच्चे को एक सकारात्मक सोच दे सकें, क्योंकि बच्चों के अंदर जो नकारात्मक सोच इस टाइम चल रही है वो उससे दूर हो सकें। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे से बहुत बातचीत करता रहता हूँ, उसके साथ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखता हूँ, और उसकी छोटी से छोटी कोई भी क्लास में एक्टिविटी होती है तो उसको बड़े ध्यान से सुनता हूँ। उसको ये नहीं लगे, जैसे बच्चा कई बार बताता है पापा आज ऐसा हुआ, उसने ऐसा करा, उस लड़के ने ये कर लिया, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ध्यान नहीं देते बच्चे को बड़ा अजीब लगता है, तो फिर बच्चा कुछ और चीज़ ढूंढना शुरू करता है, मोबाइल लेता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसे अपने अंदर एंगेज रखूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसे अलग अलग टॉपिक्स पे बात करता हूँ, जैसे अभी अंजलि जी ने भी बात करी कि आपको फैमिली एटमॉस्फेयर करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बातचीत करें बच्चे से, अलग अलग टॉपिक से बात करें, आप उसके बारे में पूछें, बेटा आज गेम में क्या हुआ, वो आपने गेम में ऐसे क्यों नहीं किया, अच्छा बेटा आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप बच्चे को ऑटोमेटिकली एंगेज रखेंगे तो उसको टाइम ही नहीं लगेगा इन चीज़ों के लिए, और अगर वो थोड़ा बहुत खेलेगा भी तो वो आपको बिल्कुल बताएगा। जैसे कि अभी बीच में आ रहा है कि ब्लू वेल गेम खेलते हैं, बच्चे बताते नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि माँ बाप बच्चे आपस में एक जो कनेक्शन कट रहा है, बातचीत नहीं करते हैं, इसकी वजह से। अगर दिन रात आप बच्चे के साथ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो आपको हर समस्या, हर बातचीत बताएगा, और आप उसे कदम कदम पे रोक सकते हैं, उसे अवेयर कर सकते हैं कि जिंदगी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और क्या चीज़ खेलनी चाहिए, क्या नहीं खेलनी चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि बच्चे को एक शेड्यूल बनाए, क्योंकि ये अंजलि जी ने भी कहा और सबने ये कहा कि भाई आप रोक नहीं सकते हैं, रोकना बड़ा इम्पॉसिबल है, बच्चा एग्रेसिव हो जाता है। तो आप उसका एक शेड्यूल बनाएं कि बेटा ठीक है, मोबाइल खेलना है, सामने खेल लो, 20 मिनट है, ये इसी गेम से खेल लो, और उसे ना नज़र रखें, चेक करते रहें कि वो कौन सा गेम खेल रहा है, फिर बीच में उसे गेम्स का शेड्यूल करा रहो, आउटडोर ले जाओ, बीच में उसे कहीं और ले जाओ, अपनी बातचीत करते रहो, और दूसरा से होमवर्क कराओ,
तो इस तरह की एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रहेंगे और उसके साथ एंगेज रहेंगे तो आपकी नजर में बच्चा रहेगा, वो गलत कर ही नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे को ज्यादा से ज्यादा टाइम, तालमेल बहुत जरूरी है। ये एक अहम सवाल है और एक अहम जानकारी जो हमें अजय जी ने दी। अंजलि जी, क्या आप इस बात से सहमत रखती हैं? मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, मैं क्लोजिंग कमेंट्स आपके चाहूंगा, कुछ ऐसी राय चाहूंगा कि जो आप इस टाइम पेरेंट्स को दे सकें ताकि उनके जहन में ये बात जाए और बच्चों की परवरिश जो है वो सही तरीके से कर सके। क्योंकि ये जरूर कहा जाता है कि बच्चे की परवरिश, बच्चे के जो संस्कार है वो घर से शुरू होते हैं और स्कूल से बच्चा सीख के आता है और वही इम्प्लीमेंटेशंस वो घर पे करता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने अभी ये सजेस्ट किया, जहां हम बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दिला देते हैं कि हमें उनसे अनकंडीशनल लव है और बच्चे के अंदर जब आपके ऊपर फेथ आ जाता है तो द बैटल इज वन। और इतना मुश्किल नहीं है, आपके बच्चे हैं बहुत प्यारे हैं और वो जरूर आपकी बात सुनेंगे, आप ट्राई कीजिए। मैम आपसे भी क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। डॉक्टर संजू गंभीर जी हैं मेरे साथ, साइकोलॉजिस्ट हैं। किस तरीके से मानसिकता जो है वो पेरेंट्स की भी चेंज होनी चाहिए और किस तरीके से जो बच्चों की मानसिकता है आजकल टेक्नोलॉजी को लेकर वो कैसे चल रही है, ट्रेंड में जो नया बदलाव आया है उस पर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? देखिए, यहाँ पर समझ आता है कि बच्चों के साथ जब डील करना है तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका सेल्फ इस्टीम वो हमेशा आप बरकरार रखें। उन्हें कभी अब उनकी नज़रों में ना गिराएं, क्योंकि अगर आपने उनको उनकी नज़रों में गिराए तो वो उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। टेक्नोलॉजी हो या लाइफ का कोई भी चैलेंज हो, अगर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है, बच्चे को अपने ऊपर भरोसा है, आपको वो फेथ और बिलीफ बच्चे के अंदर खुद भी बिल्ड करना है एज अ पेरेंट। क्योंकि अगर आप बच्चे को बताते हो कि आई बिलीव यू, आई हैव फेथ इन यू, मुझे पता है तुम जो करोगे सही करोगे, अच्छे से करोगे, तो बच्चा कभी भी गलती नहीं करेगा। जाते जाते मैं एक आखिरी सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि बच्चों को मारना ही उनके उनका ये सही तरीका है क्या? बच्चों को पीट कर ही हम उनको कोई चीज सिखा सकते हैं? क्योंकि ऐसी कहीं खबरें भी हमें मिलती हैं, रूरल एरिया से हमारे पास आती हैं कि स्कूल के अंदर छात्र को पीटा गया या फिर बच्चे की बहुत बुरी तरीके से मार कुटाई करी गई, जहां पर बच्चे की मौत भी हो गई। ऐसी कई खबरें जो हमें सामने आई हैं और कई अभिभावक भी हैं जो अपने बच्चों को मारते हैं, क्या मारना ही सलूशन है बच्चों के लिए? बिल्कुल नहीं, मारने से उल्टा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मारने से आप उसका एक तो उसकी सेल्फ इस्टीम के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं, तो मारने से कुछ नहीं होगा। जो हल आपको प्यार से बात करके अपनापन दिखा के आप ला सकते हैं, वो मार से कभी आपको नहीं मिलेगा। डांटना भी सबके सामने सही होता है, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल नहीं, उससे भी सेल्फ इस्टीम गिरती है, तो किसी के सामने डांटना भी नहीं चाहिए। आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल कमरे में ले जाएं, अलग से बात करें, चिल्लाए नहीं, चिल्लाने से भी कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जितना धैर्य रखना पड़ता है, अगर बच्चों को कुछ सिखाना है तो बहुत आपको काम रहना पड़ेगा, एक पॉजिटिव सोच बच्चों को देनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं बच्चों को समझाना पड़ेगा कि ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए गलत है। बच्चों जो बच्चे आजकल प्राइवेट रूम में जाना पसंद करते हैं, बाहर नहीं आना चाहते, उनसे बातचीत करें, वार्तालाप करें ताकि बच्चे बाहर आएं, उनको एक ऐसी परवरिश दें ताकि उनको लगे कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें लेकर गंभीर हैं, कंसर्न है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अंजलि कक्कड़ जी मेरे साथ मौजूद थी, मेरे साथ डॉक्टर संजू गंभीर जी मौजूद थी, मेरे साथ अजय मीना जी थे, मेरे साथ अंकित कुमार थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास बातचीत में, आप लोगों ने समय दिया, आप लोगों ने अपने विचार दर्शकों के सामने रखे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। फिलहाल हम इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं और मेरे साथ जो पैनलिस्ट भी मौजूद थे उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आज की इस स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही, मुझे हरकीरत सिंह आलूवालिया को दो इजाजत, लेकिन MH1 न्यूज के ऊपर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।